ओक्यू लैंप। दोस्तों, इस लैंप को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक लैंप है, ये तो सबके पास होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आपको बता दें कि ये कोई साधारण लैंप नहीं है, ये नेक्स्ट जनरेशन का लैंप है। इस लैंप में तीन कलर्स के लाइट हैं, जिसे आपकी आंखों के कंफर्ट को देखते हुए बनाया गया है। दोस्तों, लैंप चलाकर रात में पढ़ने का काम तो हम सब ने किया ही है, इसलिए हमें पता है कि एक लैंप में सबसे जरूरी चीज उसकी लाइटिंग क्वालिटी होती है। इस लैंप के बारे में आपको बता दें कि इसमें तीन कलर सेटिंग्स है। कूल व्हाइट सेटिंग, जिसे आप तब ऑन कर सकते हैं जब आप अंधेरे में हो और आपको ज्यादा रोशनी चाहिए हो। न्यूट्रल व्हाइट लाइट का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आपको ज्यादा लाइट की जरूरत ना हो, और इस लाइट में घंटों तक काम करने के बाद भी आपकी आंखों पर जोर नहीं पड़ता। साथ ही आप शाम के समय में वार्म लाइट ऑन कर सकते हैं। इसमें 2000 mAh की बैटरी है जो 20 घंटे तक नॉन स्टॉप चलती है। उसके बाद आप इसे किसी भी माइक्रो यूएसबी से चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, इस लैंप में टच पैनल भी दिया हुआ है, जिसे आप लाइट के मोड्स और इंटेंसिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी दिखने में तो यह लैंप काफी कूल है ही, इसे आप स्टडी रूम, बेडरूम, ऑफिस और भी कई जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3, प्यूना मल्टी टूल। दोस्तों, टूल्स की जरूरत किसे नहीं होती है, जैसे स्क्रू ड्राइवर, कटर, बॉटल ओपनर, ये सब चीजें तो हमें रोज चाहिए होती है। मगर अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें उनकी जरूरत पड़ती है तब वो हमें मिलते ही नहीं। कभी स्क्रू ड्राइवर नहीं मिलता तो कभी साइज ही मैच नहीं करता। इसलिए हम आपके लिए एक ऐसा मल्टी टूल लेकर आए हैं जो इतना छोटा है कि आप इसे कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, और आप अपने डेली लाइफ के सभी काम इस एक ही टूल से कर सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर आपको एक गन के आकार का टूल दिख रहा होगा। इस टूल में आपको एक नाइफ, एक बॉटल ओपनर, दो तरह के स्क्रू ड्राइवर और एक हेक्स की चेन मिलता है, जिसे आप कटिंग, अनस्क्रूइंग, ट्विस्टिंग, प्राइंग और बॉटल खोलने का काम कर सकते हैं। इसमें दिए गए नाइफ के ब्लेड को आसानी से बदला भी जा सकता है, आप जरूरत के हिसाब से ब्लेड चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इसका ब्लेड इतना शार्प है कि आप इसे पेपर तक को काट सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह टूल छोटे से बॉक्स के साथ आता है, जिसके अंदर ये सेफ रहता है और कुछ भी खोने का डर नहीं होता है। दोस्तों, ओवरऑल इस टूल को अपने साथ कहीं भी कैरी किया जा सकता है। अब आपको ये टूल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 4, बायोलाइट एलपेन ग्लो। दोस्तों, क्या आपको लालटेन्स पसंद है? पुराने जमाने में जब बिजली नहीं होती थी तब लोग लालटेन यानी लालटेन्स जलाकर रोशनी करते थे और उसी से डेकोरेशन भी करते थे। लालटेन्स की खास बात यह है कि ये दिखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। खैर, बिजली आने के बाद लोगों ने इसके इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, मगर आज भी लोग लालटेन्स को भुला नहीं पाए हैं। शायद आपको भी लालटेन्स काफी पसंद होंगे, इसीलिए आज हम आपके लिए डिजिटल लालटेन लेकर आए हैं, जिसके अंदर आग नहीं बल्कि बल्ब जलता है। बायोलाइट एलपेन ग्लो लालटेन्स कैंपिंग ट्रिप्स और बैकयार्ड बारबेक्यूज में जान डाल सकता है। सोचिए, जब आप किसी ट्रिप पर जाते हैं तो लाइट की जरूरत तो पड़ती है, ऐसे में अगर आप बल्ब या फिर इमरजेंसी लाइट की जगह पर ये लालटेन लगाएंगे तो कितना एस्थेटिक लगेगा। सिर्फ इसकी डिजाइनिंग की वजह से ही नहीं, बल्कि इस लाइट के फीचर्स की वजह से भी आप इसे लेना पसंद करेंगे। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक कलर ही नहीं, बल्कि आपको इसमें कई रंग के लाइट्स मिलते हैं, जैसे कि लाल, नीला, गुलाबी, पीला, ऑरेंज या फिर जैसे लाइट आपको चाहिए। अगर आप इसे शेक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक सभी कलर्स का मिक्सअप लाइट देता है। आप इसे चार्ज करके पावर बैकअप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। इस लाइट की मदद से आपको 360 डिग्री में फैली हुई रोशनी मिलती है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें हाफ लाइट भी जला सकते हैं। तो आप बताएं कि क्या किसी ट्रिप पर जाने से पहले आप ये लालटेन रखना पसंद करेंगे। नंबर 5, स्कार्बर डिस्क ड्राइव। दोस्तों, क्या आपने कभी ई बाइक चलाई है? टेक्नोलॉजी की मदद से साइकिल में भी डेवलपमेंट किया गया और ई बाइक बनाया गया। ई बाइक में काफी कुछ ऑटोमेटिक होता है और आसान भी होता है, मगर बड़ी दिक्कत यह है कि उसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना। अगर आप एक नॉर्मल साइकिल चलाने वाले हो तो आपके लिए ई बाइक तो महंगी होगी, मगर स्कार्बर डिस्क ड्राइव एक ऐसा गैजेट है जो आपके नॉर्मल साइकिल को भी ई बाइक में बदल सकता है। अगर आपके पास डिस्क ब्रेक वाली साइकिल है तो आप उसे बस एक ही मिनट में ई बाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस गैजेट को आपको बस अपने साइकिल में इंस्टॉल करना है। ये फुली इंक्लोज्ड वायर फ्री ड्राइव सिस्टम यूनिट है। इस डिवाइस से आप अपने नॉर्मल साइकिल को भी इलेक्ट्रिक पावर दे सकते हैं। दोस्तों, ये काफी लाइट वेट है, इसलिए आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। जैसा कि आप इस क्लिप में देख पा रहे होंगे कि इसे लगाना और निकालना कितना आसान है यार। नंबर 6, गे स्मार्ट ईडीसी ट्रैवल गैजेट। ये गैजेट बाकी उसे थोड़ा सा है। इस गैजेट के होते हुए आपको किसी कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अकेले होते हैं और अपने आसपास कई सारा सामान होता है, लेकिन हमें अपने सामान को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते क्योंकि उसे देखने वाला कोई नहीं होता। अगर हम पब्लिक प्लेस में या फिर ऑफिस या फिर किसी भी खुली जगह में अपने सामान को अकेला छोड़कर जाते हैं तो चोरी का डर तो होता ही है और चोरी भी हो जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ऐसा गैजेट को बनाया गया है जो आपके सामान की अच्छी तरह से निगरानी करता है। दोस्तों, ये है गेज। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा गैजेट आपके सामान की निगरानी कैसे करेगा। आपको बता दें दोस्तों कि इसमें फिश आई कैमरा लगा हुआ है। इस गैजेट को जैसे ही आप ऑन करते हैं और लॉक करते हैं तो ये आपके सामान के सराउंडिंग को रिकॉर्ड करने लगता है। फिर अगर सामान के आसपास जरा भी एक्शन होता है तो इसमें कंटिन्यूअसली इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। अब जाहिर सी बात है कि अलार्म बजने के बाद कोई भी चोर डर जाएगा और आपके सामान को वहीं छोड़कर जल्दी से भाग जाएगा। अगर आप आसपास होंगे तो आवाज सुनकर आप भी जल्दी से आ सकते हैं और चोर को पकड़ सकते हैं। और अगर बाय चांस आप वहां पर नहीं होते हैं तो भी चोर को देख सकते हैं, क्योंकि इस गैजेट में मौजूद कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, जिसका इस्तेमाल आप पुलिस स्टेशन में प्रूफ के तौर पर भी कर सकते हैं। नंबर 7, रेजर हैमरहेड। दोस्तों, आपके पास कोई ना कोई ईयरबड्स तो जरूर हो गए, मगर मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि रेजर हैमरहेड जैसा ईयरबड्स आपने कभी नहीं देखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी ईयरबड्स तो लगभग सेम ही होते हैं, फिर इसमें ऐसे क्या खास बात है जो आपने पहले कभी नहीं देखी है। हाँ, ये ईयरबड्स भी वायरलेस और ऑटो पेयरिंग वाले ही हैं जैसे आपके पास है, मगर इसमें कुछ तो अलग बात है। वो क्या, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस ईयरबड्स में नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी लगी हुई है। इसे एक बार आप लगाते हैं तो फिर आपको बाहर की कोई भी वॉइस सुनाई नहीं देगी। इसमें डुअल एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं जो अनवांटेड बैकग्राउंड नॉइस को डिटेक्ट करके कैंसिल कर देते हैं और कॉलिंग और म्यूजिक लिसनिंग को बिल्कुल परफेक्ट बना देते हैं। दोस्तों, हमारे ईयरबड्स में जो क्लिक ऑप्शन होता है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। दोनों बर्ड्स को पेयर कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और साउंड को प्ले एंड ऑफ कर सकते हैं, बस इतना ही ना। मगर इस ईयरबड्स में हम उसके साथ ही साथ और भी कई काम कर सकते हैं। इससे डबल टैप करके आप गाना चेंज कर सकते हैं, फिर ट्रिपल टैप करके वापस उस गाने को लगा भी सकते हैं।
नंबर 8 वावा पोर्टेबल SSD टच। वावा पोर्टेबल SSD एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से आप डेटा ट्रांसफर स्पीड को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। इसका डेटा ट्रांसफर स्पीड 540 MBPS का है, मगर दोस्तों डेटा ट्रांसफर स्पीड ही एक रीजन नहीं जो इसे बेहतरीन SSD बनाती है। इस SSD की सबसे खास बात यह है कि यह इंक्रिप्टेड है, यानी कि आपका सारा का सारा डेटा इसमें पूरी तरह से सेफ रहता है। इसमें फिंगरप्रिंट पासवर्ड लगा होता है जिससे सिर्फ आप ही एक्सेस दे सकते हैं। इस SSD में 10 फिंगरप्रिंट्स डाले जा सकते हैं, यानी जिसे आप डेटा का एक्सेस देना चाहते हैं उसकी फिंगरप्रिंट को इसमें ऐड किया जा सकता है, जिसके बाद उनके अलावा और कोई भी इंसान इसका डेटा नहीं देख पाएगा दोस्तों। नंबर 9 शेल्टर बाय क्लिंच। कैंपिंग करना कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन हम कभी ज्यादा कैंप करने जाते नहीं, शायद इसलिए क्योंकि हमें ट्रिप्स, कैंपिंग और टेंट्स लगाना बहुत डिफिकल्ट लगता है। मगर दोस्तों जितना मुश्किल हमने इसे बनाया है ना, उतना मुश्किल ये है नहीं। आप शेल्टर को रखकर कैंपिंग को काफी आसान बना सकते हैं। एक शेल्टर है जो काफी हल्का और छोटा है, जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं और कैंप लगा सकते हैं दोस्तों। इसे सेटअप करना तो इतना ईजी है कि आप इसे अकेले ही कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कहीं भी दिन भर के लिए ट्रैवल करने का मन हुआ है और अगर आपको किसी होटल या रेस्टोरेंट का खर्चा नहीं उठाना है, तो आप इस शेल्टर को अपने लिए छत बना सकते हैं और धूप और बरसात से बच सकते हैं दोस्तों। नंबर 10 प्लांट ट्रे स्मार्ट प्लांट वाटरिंग रिमाइंडर। प्लांट्स लगाना किसे नहीं पसंद होता है, हम सब चाहते हैं कि हमारे पास कोई पौधा हो, चाहे वो फूल हो या फिर किसी खास पत्तों का। हम कई बार पौधे ले भी आते हैं मगर बिजी शेड्यूल के कारण उनका ख्याल नहीं रख पाते और वो मुरझा जाते हैं। ऐसे में आपके लिए एक ऐसा गैजेट तैयार किया गया है जो आपको समय समय पर याद दिलाता रहेगा कि आपको कब पौधे में पानी डालना है। प्लांट गैजेट को आपको बस मिट्टी में डालकर रखना है, ये मिट्टी की नमी को पहचान लेता है और आपको बता देता है कि पौधे में कितना मॉइस्चर है, उसमें पानी ज्यादा है या कम, ड्राई है या फिर इसमें ज्यादा पानी डाला गया है। जब पौधे को पानी चाहिए होता है तो ये गैजेट ऑटोमेटिक रेड हो जाता है और जब इसमें पानी डाला जाता है तो ये वापस ब्लू हो जाता है। इस डिवाइस में 4 प्रोग्राम्स हैं अलग अलग तरह के पौधों के लिए। अगर आपके घर में प्लांटिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए गैजेट बहुत काम का हो सकता है दोस्तों। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है दोस्त। और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अगली वीडियो में किस तरह के गैजेट चाहिए, ताकि हम आपके लिए उसी तरह के गैजेट्स ला सके दोस्तों। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।